अध्याय एक, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया। मैं वह सब कुछ कर सकती हूँ जो आप नहीं कर सकते। आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो मैं नहीं कर सकती। हम दोनों मिलकर महान चीज़ें कर सकते हैं। ये शब्द मदर टेरेसा ने कहा है। नेटवर्क मार्केटिंग की अपनी 11 साल की ज़िंदगी में मैंने इसे हर दिन जिया है और मुझे आज तक अमीर बनने का इससे ज़्यादा पवित्र, लोकतांत्रिक और सामाजिक विकास करने वाला और कोई तरीका नहीं दिखा है। संयोगवश इंडस्ट्री के बाहर के लोगों के इस बारे में बहुत से विचार हैं, पर जो लोग इस इंडस्ट्री में हैं वो इस बिजनेस को दिल से और सच्चाई से प्यार करते हैं। मैंने ये देखा है कि इस इंडस्ट्री के लोग खुश, सकारात्मक, आशावादी, विकास मुख, कठिन परिश्रम करने वाले और दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहने वाले हैं। इस बिजनेस का सबसे बड़ा गुण है इसका यह आधारभूत सिद्धांत कि आप अपने साथी सहकर्मियों की मदद किए बिना इस बिजनेस को बड़ा नहीं बना सकते। इस बिजनेस में आपका सिर्फ एक काम है, लोगों के सपनों को पूरा करने में उसकी मदद करना। ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी और हमेशा चलते रहने वाला प्रश्न है कि आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं। यह शब्द मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा है। मैंने यह देखा है कि यह बिजनेस करना आसान है, पर बिजनेस को करने का निर्णय लेना और अपने सपनों को पूरा करने की जदोजहद करने के लिए प्रतिबद्ध होना बहुत कठिन है। पुस्तक के इस अंश में हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के स्कोप, भविष्य के आंकड़े, इससे मिलने वाले लाभ और बिजनेस के इर्द गिर्द की बहुत सारी बातें देखेंगे। आइए मिलकर पता लगाएं कि क्यों लोग इस बिजनेस की ओर खींचे चले आते हैं और कौन से काम उन्हें सफल या असफल बनाते हैं। इससे पहले कि हम इस बिजनेस को करने के विज्ञान पर जाएं, चलिए इस बिजनेस को करने की आधारशिला बनाएं और इसमें सफलता के लिए सही मानसिकता बनाएं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को विभिन्न एजेंसियों और विभिन्न लोग, डायरेक्ट सेलिंग, व्यक्तिगत फ्रेंचाइजिंग एवं कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी कहते हैं। इस प्रणाली में उत्पादों या सेवाओं का डिस्ट्रीब्यूशन उपभोक्ताओं के नेटवर्क के जरिए होता है। इसमें जब उपभोक्ता उत्पाद का इस्तेमाल कर संतुष्ट हो जाता है तो वह अन्य लोगों को भी इसे प्रयोग करने की सलाह देता है। कुछ लोग उसे सीरियस बिजनेस के रूप में लेकर डिस्ट्रीब्यूटर बनकर काम करना शुरू कर देते हैं, जबकि दूसरे उपभोक्ता ही बने रहे। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, इतिहास और वैश्विक परिप्रेक्ष्य। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अमेरिका में करीब सन 1930 में शुरू हुआ और अपने विभिन्न गुणों एवं लाभ के कारण धीरे धीरे सारे संसार में फैल गया। FICCI ने 5 दिसंबर 2017 को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया नामक एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें बताया गया है कि विश्व भर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने वर्ष 2016 में 18,356 करोड़ अमेरिकी डॉलर का कारोबार किया और पूरे विश्व में करीब 10.7 करोड़ डायरेक्ट विक्रेताओं को पार्ट टाइम रोजगार दिया। दुनिया के 10 प्रमुख देश जहां डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार सबसे ज़्यादा होता है, सबसे पहले पर है अमेरिका, दूसरे पर चीन, तीसरे पर जापान, फिर कोरिया, ब्राज़ील, जर्मनी, मैक्सिको, फ्रांस, मलेशिया और यूके है। दुनिया के कुल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का 78% इन देशों में हुआ है और कुल बिजनेस का 93% हिस्सा ऊपर के 23 बड़े देशों से आता है। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, भारतीय परिप्रेक्ष्य। भारत में डायरेक्ट सेलिंग कई सैकड़ों सालों से चल रहा है और आज भी चालू है। हमारी जानकारी के अनुसार डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का आधुनिक प्रारूप भारत में करीब 80 के दशक के बीच में शुरू हुआ था। कुछ बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स भारतीय मार्केट में 90 के दशक में आए। इंडस्ट्री धीरे धीरे बढ़ती रही और साथ ही कई अवैध पिरामिड स्कीम्स इन बीच इंडस्ट्री का लाभ पाने के लिए मशरूम की तरह उभरती गई, जिससे इंडस्ट्री का नाम खराब हुआ। पिछले कुछ सालों में बहुत सी इंडस्ट्री, बॉडी और सरकारी एजेंसियों ने मिलकर एक सकारात्मक माहौल पैदा करने की और एक मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश की, ताकि भारत में इस इंडस्ट्री को आधार वृद्धि मिले। FICCI इस संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इस इंडस्ट्री से संबंधित कई रिपोर्ट्स FICCI की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।
सरकार ने वर्ष 2016 में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर गाइडलाइंस जारी की और तब से इंडस्ट्री को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। FICCI और KPMG के हाल फिलहाल की रिपोर्ट से पता चलता है कि डायरेक्ट सेलिंग में रिटेल सेल्स वर्ष 2025 तक करीब 64,500 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी और इससे करीब 1.8 करोड़ भारतीयों को स्वरोजगार मिलेगा, जिसमें 60% महिलाएं होंगी। भारत में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का स्वर्ण युग अभी शुरू हुआ है और इसमें सभी लोगों के लिए काफ़ी अवसर हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपको क्या दे सकता है, आइए जानते हैं। लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत सारे कारणों से आते हैं। आपका चाहे जो भी मुख्य कारण है, अगर आप एक बार इस बिजनेस को सफलतापूर्वक नई आधारशिला और सिस्टम के साथ बना लेते तो एक साथ कई सारे लाभ पा सकते हैं। अतिरिक्त आय एवं आय का दूसरा स्रोत, वित्तीय आज़ादी, अमीर होना, परिवार की आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षा, इसमें आप पा सकते हैं। अपना बोझ स्वयं होना, कम जोखिम एवं कम लागत वाला बिजनेस, अपने सपनों का मकान या बंगला बनाना, आलिशान अंतर्राष्ट्रीय छुट्टियां, पब्लिक स्पीकिंग और स्टेज में मौजूदगी के अवसर भी मिलते हैं। आलिशान कारों को खरीद सकते हैं, नाम और पहचान, प्रतिष्ठित व्यक्ति बन सकते हैं, अपनी पसंद की लाइफस्टाइल आप जी सकते हैं, आपका अपना व्यक्तित्व विकास और व्यक्तित्व में निखार भी ला सकते हैं, एक अच्छे समाज और देश की बेहतरी के लिए आप काम कर सकते हैं, जल्दी रिटायरमेंट इसमें आप ले सकते हैं, परिवार के साथ बहुमूल्य समय आप बिता सकते हैं, अपने शौक को पूरा पाने की स्वतंत्रता एवं लचीलापन, नए लोगों से मिलना और नए सामाजिक सर्कल विकसित आप कर सकते हैं, दूसरों की मदद इसमें आप बहुत ही कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की अद्वितीय विशेषताएं, इस इंडस्ट्री की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो लोगों को आसान और आकर्षक लगती हैं, फलते वह नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को शुरू करते हैं। नंबर एक, कम प्रवेश लागत, कम एंट्री कॉस्ट। यह बिजनेस कुछ उत्पादों या कुछ सेवाओं को खरीदकर शुरू किया जा सकता है जो हम सामान्यतः कहीं और से खरीदते हैं। आप यह बिजनेस एक उपभोक्ता बनकर शुरू कर सकते हैं। नंबर दो, शून्य निकास लागत। आप इस बिजनेस को ना करने का निर्णय लेकर ही इस बिजनेस को छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपने बिजनेस के लिए कोई सेटअप नहीं लगाया था और आप इसके उत्पादों और सेवाओं का इस्तेमाल कर चुके हैं, तो असल में इसकी एग्जिस्ट कॉस्ट जीरो हुई। नंबर तीन, व्यापार स्थापित करने का शून्य खर्चा। इस बिजनेस को करने के लिए आपको कोई ऑफिस, स्टाफ, कार्यशाली या कार्यशील पूंजी या किसी अन्य फिक्स कॉस्ट की भी जरूरत नहीं होती है। नंबर चार, परंपरागत बिजनेस वाली कोई परेशानी नहीं, आधार या उधार, पेमेंट, पैसे फंसना, अकाउंटिंग, बैंक लिमिट, जगह का किराया, स्टाफ की कॉस्ट, स्टाफ के मुद्दे, कर्मशील पूंजी। नंबर पाँच, आपकी सुविधा के अनुसार काम करने के घंटे। नंबर छः, सिस्टम सपोर्ट। आपको एक ऐसे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट सिस्टम से मदद मिलेगी जिसने पहले ही हजारों लोगों को अचीवर बनाया है। नंबर सात, कम निवेश। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको थोड़ी सी शॉपिंग ही करनी होती है। नंबर आठ, ऐसे साथी मिलेंगे जो आपकी सफलता के लिए आपको पूरी मदद करेंगे। नंबर नौ, सारा परिवार मिलकर यह बिजनेस कर सकता है। नंबर 10, अपने मौजूदा प्रोफेशन या नौकरी को छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। नंबर 11, निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम बनाने की संभावनाएं। मेरी जानकारी के अनुसार एक साधारण व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से आसानी से और बहुत अच्छी तरह से कमा सकता है। नंबर 12, जो लोग पहले से ही सफल हैं उनसे जानकारी और ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। नंबर 13, ज़िंदगी बदल देने वाली शिक्षा जिससे आप एक अलग व्यक्ति बनते हैं। नंबर 14, हर किसी के लिए समान अवसर, वहाँ कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है, चाहे वो किसी भी आयु, शिक्षा, लिंग, स्थान, वित्तीय पृष्ठभूमि या धर्म से संबंध रखता हो। नंबर 15, टैक्स लाभ, इसमें भी अन्य बिजनेस की तरह ही होता है। लोग असफल क्यों हो जाते हैं? जब यह बिजनेस इतना अच्छा है और इसमें इतना सहयोग मौजूद है तो लोग इस बिजनेस में असफल क्यों हो जाते हैं? इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब दूं, चलिए कुछ आधारभूत बातों पर चर्चा की जाए। बिजनेस में असफल होने से आपका क्या अर्थ है? वैसे तो सफलता और असफलता की सबकी अपनी अपनी परिभाषा है, पर मोटे तौर पर असफल वह है जिसने कई सालों तक बिजनेस में अपना सर्वोत्तम दिया है पर सब कुछ करने के बावजूद भी वो बिजनेस से लाभ नहीं ले पा रहा है। आमतौर पर प्रत्येक व्यक्ति
या प्रत्येक व्यवसाय को लाभदायक होने के लिए कुछ साल लगते हैं, और यहाँ तक कि एक ही उद्योग में प्रत्येक बिजनेस करने वाले को लाभ कमाने के लिए अलग समय लगता है। लोग किसी भी अन्य व्यवसाय में लाभ अर्जित करने के लिए कुछ सालों के इंतजार को सही मानते हैं, पर जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है तो वही लोग अचानक कुछ दिनों के भीतर या शुरू करने के कुछ घंटों के भीतर ही लाभ की उम्मीद करने लगते हैं। आप ऐसे कई लोगों से मिलेंगे जो ये कहते हैं, मैंने भी यह बिजनेस करने का प्रयास किया है पर यह मुझसे नहीं चला, ऐसे बिजनेस चलते नहीं हैं, मुझे पता था। मेरे चचेरे भाई ने भी यह प्रयास किया था पर उसे अपना सब कुछ खोना पड़ा, इत्यादि। इन सारे लोगों के लिए इन बातों का साधारण इनमें से कोई एक अर्थ है। नंबर एक, किसी ने उन्हें कुछ प्रोडक्ट भेंट कर दिए। नंबर दो, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट खरीदे। नंबर तीन, वह एक या दो मीटिंग में गए होंगे। नंबर चार, अधूरे मन से अपने अपलायन के साथ दो तीन मीटिंग्स की होंगी। नंबर पाँच, उन्होंने कुछ लोगों के साथ फ़ोन पर बिजनेस को टेस्ट किया। इनमें से अधिकांश लोगों ने इस मुकाम पर बिजनेस छोड़ दिया और यह गलत अवधारणा बना ली कि यह बिजनेस नहीं चलते। मैं अपने अनुभव से यह कह सकता हूँ कि जो लोग यह बोलते हैं कि उन्होंने इस बिजनेस को चलाने का प्रयास किया पर असफल हो गए, उन्होंने इस बिजनेस को कभी भी अपने 6 से 10 घंटे का समय दिया ही नहीं। उनमें से अधिकांश लोग 2 से 3 प्रोग्राम में भी शामिल नहीं हुए होंगे। आपको किसी चीज़ को क्रियान्वित करने के लिए उस पर पहले काम करना होता है। प्रोडक्ट खरीदना कोई बिजनेस नहीं है, या कुछ लोगों से बात कर बिजनेस को टेस्ट करना बिजनेस निर्माण करना नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर कोई कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के सिद्धांतों और काम करने के तरीकों का पालन करने के लिए तैयार है तो यह बिजनेस सबसे ज़्यादा अनुपात में सफलता देता है। साधारण लोग खुद को या बिजनेस को कुछ सामान्य कारणों की वजह से असफल कह देते हैं। नंबर एक, अवास्तविक उम्मीदें। कुछ लोग यह बिजनेस अवास्तविक उम्मीदों के साथ शुरू करते हैं और जब यह पूरी नहीं हो पाती तो बिजनेस पर दोष लगाकर उसे छोड़ देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि यह एक लॉटरी है, जिस तरह हम लॉटरी का टिकट खरीदते हैं और अपने भाग्य की घंटी के बजने का इंतजार करते हैं, उसी तरह ये लोग कुछ उत्पाद खरीदते हैं और फिर अमीर होने का इंतजार करते हैं। कुछ लोग अन्य 2-3 लोगों को लेकर आते हैं और फिर यह सोचकर काम करना बंद कर देते हैं कि अब उनका काम पूरा हो गया है और अब ये लोग आगे काम करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं चलता। कुछ अन्य लोग सोचते हैं कि उनके अपलाइन या उनका सिस्टम अब उनके लिए सब कुछ करेगा, क्योंकि उन्होंने तो कुछ उत्पाद खरीद कर पहले ही उन पर बड़ा उपकार किया है। कुछ लोग चाहते हैं कि दुनिया उनके दरवाजे पर आकर खटखटाए, वो भी तब जब उन्होंने किसी को इस बिजनेस के बारे में बताया ही नहीं है। अगर किसी परंपरागत बिजनेस में 3 से 5 साल में सफलता मिलती है तो लोग इसे सही समझते हैं, और वही लोग इस बिजनेस में कुछ ही दिनों या सप्ताह में अपार सफलता की उम्मीद रखते हैं, वह भी पार्ट टाइम काम करते हुए। कई बार स्पॉन्सर भी कुछ चीज़ों को ओवर कमिट करके गलत अपेक्षा बना देता है और बाद में उन अपेक्षाओं को पूरा भी नहीं कर पाते। कुछ लोग यह सोचकर बिजनेस शुरू करते हैं कि इसमें ज़्यादा काम नहीं करना होगा, पर कुछ मीटिंग हो जाने के बाद वह महसूस करते हैं कि इसमें बहुत मेहनत करनी है और इसके लिए वो तैयार नहीं होते। मुश्किल यह है कि बहुत सारे लोग यह समझने में पहले ही काम करना छोड़ देते हैं कि यह बिजनेस ज़िंदगी को बदलने वाला है। निराशा और काम छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है गलत उम्मीदें। नंबर दो, कम प्रवेश लागत के कारण वैसे लोग काम शुरू करते हैं जो गंभीर नहीं है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए लगभग नहीं के बराबर राशि लगती है और वो भी उत्पाद या सेवा के रूप में तुरंत वापस आ जाती है। इस कम प्रवेश लागत के कारण कोई भी यह बिजनेस शुरू कर सकता है। उसमें से अधिकांश लोग यह भी नहीं जानते कि सफल होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। उनको यह नहीं पता है कि इस बिजनेस में हर दिन हर हफ्ते कितनी कड़ी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। वास्तव में उन्होंने यह बिजनेस शुरू ही नहीं किया, उन्होंने तो सिर्फ कुछ शॉपिंग की थी। उन्होंने एक लॉटरी टिकट खरीदा जिसके साथ कुछ सामान्य सांत्वना के रूप में मिल गया। न तो उन्होंने सही से कोई ट्रेनिंग की होती है और न ही कोई मीटिंग आयोजित की होती है। उनमें से अधिकांश लोग कुछ ही दिन या हफ्ते में यह काम छोड़ देते हैं और इस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं जो यह कहती है कि यह बिजनेस नहीं चलते। नंबर तीन, शून्य निकास लागत, जीरो एग्जिट कॉस्ट के कारण इसे छोड़कर आसानी से चले जाते हैं लोग। उतार चढ़ाव बिजनेस का एक हिस्सा है। हर बिजनेस एक बुरे और अच्छे दौर से गुजरता है, पर बिजनेस करने वाले लोग उसे इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उसमें भारी निवेश, स्टाफ
कार्यशील पूंजी, मार्केट से पैसे लेना, स्टॉक, एक अच्छे ऑफिस और अन्य कई ढोंचागत निवेश लगे होते हैं। अगर मालिक बिजनेस छोड़ देगा तो यह सब जीरो हो जाएगा। इसलिए कितने भी हानि या संघर्षों के बाद भी यह बड़ा एग्जिट कॉस्ट लोगों को बिजनेस में बनाए रखता है। चूंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसकी जीरो सेटअप कॉस्ट है, इसलिए इसे बंद करते समय कोई वित्तीय हानि नहीं होती है। इस जीरो एग्जिट कॉस्ट के कारण लोगों का थोड़े से संघर्ष को देखते ही बिजनेस छोड़ देना आसान हो जाता है। नंबर 4, सपनों की कमी। वास्तव में अधिकांश लोगों के बड़े सपने नहीं होते हैं। लोग अपने मौजूदा लाइफ स्टाइल से खुश भी नहीं हैं, पर वे इस स्थिति को बदलने के लिए काम भी नहीं करना चाहते। उनमें से अधिकांश लोग अमीर बनना तो चाहते हैं, पर उसके लिए प्रतिबद्ध होने के लिए तैयार ही नहीं है। यह प्रतिबद्धता सपनों से और अपने उद्देश्यों की स्पष्टता से ही आती है। ध्यान की कमी। नंबर 5, अधिकांश लोग यह बिजनेस अपनी जॉब या प्रोफेशन के साथ पार्ट टाइम के रूप में करते हैं। लोग इस बिजनेस को अपने मूल काम, परिवार, मनोरंजन आदि से समय बचने के बाद ही करते हैं। लोगों की नौकरी, प्रोफेशन और पारिवारिक जीवन में पहले से ही बहुत तनाव है। इसलिए जब यह बिजनेस नज़रअंदाज हो जाता है और उसके लिए समय नहीं मिल पाता, पौधा चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर उसे पानी न मिले तो वह नष्ट होना तय है। नंबर 6, सिस्टम के तहत काम करना एवं सिस्टम को सीखने की इच्छा का अभाव। हर व्यक्ति की इस बिजनेस को करने के बारे में अपनी एक अलग धारणा और सोच है, तथा उन्हें लगता है कि उन्हें पता है कि इसे कैसे किया जाए। वह इस संबंध में सिद्धांतों और सही कार्यशैली को सीखने में अपना समय बर्बाद करना नहीं चाहते। गलत तरीके से बिजनेस करने से जीरो रिजल्ट और निराशा मिलती है, और फलतः वह बिजनेस छोड़ देते हैं। सामान्यतः जो लोग इसे छोड़ देते हैं, वह इस संबंध में कभी कोई प्रोग्राम में शामिल नहीं होते, या उन्होंने बिजनेस को सही से समझा भी नहीं होता है। नंबर 7, गलत धारणाओं के साथ काम करना। अधिकांश लोग इस बिजनेस के बारे में एवं स्वयं के बारे में गलत धारणा रखते हुए इसे शुरू करते हैं। लोगों के भीतर जो कुछ गलत धारणाएं हैं, वे इस प्रकार हैं: मैं बिजनेस नहीं कर सकता, बिजनेस बहुत मुश्किल है, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, मुझे नहीं लगता कि कोई इस बिजनेस के लिए तैयार होगा, मेरे दोस्त या रिश्तेदार मुझे यह बिजनेस करते देखना नहीं चाहेंगे, मैं बिजनेस करने के लायक नहीं हूँ, यह बिजनेस मेरे लायक नहीं है, आदि। अगर आप खुले दिमाग से अपने उन धारणाओं को टेस्ट करने का साहस रखते हैं, तो आप आसानी से सच देख सकते हैं। जब आप बिजनेस में लोगों से बात करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, बिजनेस के लिए खोज करते हैं और कुछ कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, तो आपको बिजनेस की सच्चाई के बारे में स्वयं पता चल जाता है। इसलिए आप अपने मन की गलत धारणाओं को बाहर निकाल सकते हैं और अपने मन में स्वयं के लिए और बिजनेस के लिए सही और सशक्त धारणाएं बना सकते हैं। अधिकांश लोग अपनी गलत धारणाओं पर विचार ही नहीं करना चाहते, इसलिए वह बिजनेस छोड़ देते हैं, जिससे आगे चलकर उनकी गलत धारणाओं को और मजबूती मिलती है। पिछले 11 सालों से इस बिजनेस को अपने दिल और आत्मा के साथ करते हुए मैं पूरे विश्वास और आस्था के साथ कह सकता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग अपने सपनों को पूरा करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है। आप किसी भी मापदंड पर इस बिजनेस की तुलना अन्य बिजनेस से करें, जैसे कि शुरुआती निवेश, निवेश पर रिटर्न, लाभप्रदता, काम पूरी होने की अवधि, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होना, जीरो रिस्क, निर्धारित लागत, स्थापना में आसानी, समय की स्वतंत्रता, पैसों की स्वतंत्रता, तनाव मुक्त संचालन आदि। आप हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग को किसी अन्य बिजनेस अवसर की तुलना में कहीं अच्छा पाएंगे। इस इंडस्ट्री की विशेषताएं, इसके आधारभूत सिद्धांत, काम करने की प्रणाली और दूसरे बिजनेस से कम समय में मिलने वाले लाभ बहुत अच्छे हैं, और साथ में अविश्वसनीय भी हैं। सिर्फ इस विश्वास के साथ काम शुरू कीजिए कि आप सर्वोत्तम टीम के साथ सही कंपनी में सही समय में सही बिजनेस कर रहे हैं। सिस्टम का 100% पालन कीजिए और अपने सपनों को, अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ कीजिए। संयम रखिए, सफलता समय लेती है, और सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार इस यात्रा पर निकल जाने पर आपको मदद मिलती रहेगी और आप रास्ते में कई अच्छे दोस्त भी बनाएंगे। इस बिजनेस के लिए आपको 3 मुख्य चीज़ों की ज़रूरत है, आइए जानते हैं। नंबर 1, आपके कुछ सपने हैं, आपके पास बिजनेस करने का कारण होना चाहिए। नंबर 2,
आप सीखने को तैयार हो और इस बिजनेस की ज़रूरत के अनुसार खुद को बदलने को तैयार हैं। नंबर 3, आप कुछ महीनों से लेकर सालों तक नए सिस्टम के अनुसार कड़ी मेहनत करने को तैयार हैं। अगर आप उपरोक्त चीज़ें कर सकते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में अपने सपनों को पूरा करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इस दुनिया की श्रेष्ठ मार्केट में सही समय पर आप सही बिजनेस कर रहे हैं। दुनिया को आज इस बिजनेस की ज़रूरत पहले से ज़्यादा है और करोड़ों लोग इस बिजनेस को सही व्यक्ति के साथ शुरू करना चाहते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप वह सही व्यक्ति बने और इस बिजनेस के जरिए करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में संपन्नता का स्रोत बने। यह पुस्तक आपको एक सफल नेटवर्क मार्केटर बनने के लिए सारी जानकारी, सभी कौशल और सही मानसिकता देगी। इस पुस्तक में लिखे गए सिद्धांतों का पालन करें। जब जब आप कहीं अटक जाएं, तो इस पुस्तक को फिर से पढ़ें। बहुत जल्द आपके सपने साकार होने लगेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत जल्द अगले नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनियर बनेंगे और